ऋषभ, मेरा कोई फोन तो नहीं आया? अरे कम से कम मुझसे पूछो तो सही कि आज का मेरा दिन कैसा गुजरा। मेधा, तुम्हारी शक्ल का नक्शा तो यही बता रहा है कि तुम्हें घर में उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी बाहर मिलती। नहीं ऋषभ, घर के अंदर या घर के बाहर की बात नहीं है। मैं आज कोर्ट गई थी, तुम विश्वास नहीं करोगे। तुम पर से जिस दिन मेरा विश्वास उठ गया ना मेधा, ये रिश्ता तो खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम खुद विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि अदालत के सरजमीन पर पैर रखते ही मुझे इतनी खुशी, इतना सुकून, इतना इत्मीनान मिलेगा। मैं बयान नहीं कर सकती ऋषभ, मुझे खुद पता नहीं था ऋषभ कि वो जगह मेरे लिए इतनी मायने रखती है, उस माहौल का मुझ पर इतना असर होगा। साफ दिख रहा है मेरा, साफ दिख रहा है कि वो जगह, वो माहौल तुम्हारे लिए इतना मायने रखती है कि बाकी सारी चीजें तुम्हारे लिए बेमाने हो जाती। सच कहूं, कुछ लम्हों के लिए दुनिया की हर चीज बेमाने लगने लगी थी। इनो ऋषभ, उस जगह का अपना एक नशा है, अपनी एक महक है, वहां की जमीन पर पैर रखते इतनी खुशी होती। मेधा, स्टॉप दिस ब्लडी नॉनसेंस। वक्त, अपने होश हवास में आओ तो जरा देखो कि वक्त क्या हुआ है। पूरे 10 बज चुके हैं, ये भी कोई वक्त है घर आने का? ना कोई अता ना पता, पता नहीं कहां घूमती रहती हो तुम। लेकिन ऋषभ, मैंने मम्मी से कहा। क्या माछाओ तुम आ गई? मम्मी, आपसे मैंने कहा था ना, आप बता दीजिएगा, मैं आपको कह के गई थी ना। मेधा, तू मुझे कह के गई थी? ओह आई एम सो सॉरी, जाते जाते कुछ कह के तो गई थी, मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी। अच्छा ये झगड़ा छोड़ो, तुम दोनों के लिए खाना लगवाती हूँ, चलो आओ। हेलो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ इतना बुरा सलूक करने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? मेधा, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो, यस जी जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। आई एम सॉरी, इस वक्त मैं नहीं आ सकती। ओ अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आती हूँ। सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। अरे मेरा, मैंने तो खाना लगवाया है मेधा। प्लीज उसे जाने दो।